वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इस प्रकार के जो लोग होंगे ना उनको कभी भी $97 उनके माई वॉलेट के अंदर नहीं मिल पाएंगे और ना ही वो कभी अपना प्रोडक्ट परचेज कर पाएंगे और ना ही वो अपना कोई भी प्रोडक्ट जो है सेल कर पाएंगे। और जब ना तो सेल कर पाएंगे और ना ही परचेज कर पाएंगे तो सीधी सी बात है वो अपना कोई भी कमीशन भी नहीं कमा पाएंगे, इट मीन्स कोई भी यहां से इनकम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोग कौन है जिनके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं, और ये मैसेज जो है आप ये मान के चलिए कि ये एक आखिरी बार है ये मैसेज ऐसे लोगों के लिए, सिर्फ आखिरी बार मैसेज है ऐसे लोगों के लिए। और अगर वो अभी भी इन सारी चीजों पे अमल नहीं करते हैं तो 100% 365 दिन के बाद उनकी आईडी परमानेंटली जो है टर्मिनेट कर दी जाएगी। जी हाँ, उनकी आईडी परमानेंटली टर्मिनेट कर दी जाएगी। ऐसे लोग कौन है वो आज आपको ध्यान से समझना है और आपको चेक भी करना है अपने बैक ऑफिस में जाकर के कि क्या आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो इस टाइप के हैं। अगर हैं तो आप उन्हें जरूर सूचित करें, जरूर उनको इन्फॉर्मेशन दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक बैक ऑफिस के अंदर नहीं गए हैं। बैक ऑफिस उनको पता भी नहीं होगा कि बैक ऑफिस होती क्या है, होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज, ऐसे लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि बैक ऑफिस होता क्या है, तो बैक ऑफिस के अंदर जाएंगे कहां से, जाएंगे कैसे। तो ऐसे लोग हैं जिनको आज तक बैक ऑफिस के बारे में पता नहीं है। कंपनी ने कंपनी के डैशबोर्ड पर जो बहुत कुछ यहां पे दिखाई देता है, कंपनी का जो डैशबोर्ड दिखता है और डैशबोर्ड पर उन्होंने आज तक बैक ऑफिस को ऑन ही नहीं किया है। और जब उन्होंने बैक ऑफिस को ऑन नहीं किया है तो उन्होंने बैक ऑफिस का जो हमारा एक एनडीए सिग्नेचर जो होता है उस एनडीए सिग्नेचर को भी नहीं किया है। एनडीए सिग्नेचर जो होता है, क्योंकि बैक ऑफिस के अंदर एंटर होने के लिए हमें एनडीए सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है कि जिन व्यक्तियों के एनडीए सिग्नेचर नहीं है, जिन व्यक्तियों के एनडीए सिग्नेचर नहीं हुए हैं, आप उनको कहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। तो मैं आज आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपको कहाँ जाकर के चेक करना है। तो आपको अपना सबसे पहले बैक ऑफिस ऑन करना है और बैक ऑफिस ऑन करके आपको जाना है, आपको माई टीम एक ऑप्शन होता है, इसमें माई टीम ऑप्शन के अंदर जाना है और वहां पे आपको सर्च बाय स्टेटस एक ऑप्शन मिलेगा। सर्च बाय स्टेटस ऑप्शन है, उसमें आपको एनडीए नॉट साइन, एनडीए साइन एंड सस्पेंडेड टर्मिनेटेड एंड कंफर्म फाउंडर्स एंड एनडीए नॉट साइन, इस टाइप के कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि एनडीए नॉट साइन, एनडीए नॉट साइन के आगे जीरो लिखा हुआ है या 1 2 3 4 5 6 कोई काउंटिंग लिखी है। अगर यहां पर अगर आपकी कोई काउंटिंग लिखी है तो सीधा सा अर्थ यह है कि वहां पे ऐसे लोग अभी हैं जिन्होंने एनडीए साइन नहीं किया है। वहां पे क्लिक करके आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं कि उनका नाम क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है और उनका मोबाइल नंबर क्या है, आप उनको इन्फॉर्म करें। तो यहां पे अब आते हैं अपने पॉइंट पर। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने अभी तक बैक ऑफिस के अंदर अपना एनडीए साइन ही नहीं किया है तो ऐसे लोग क्या कर पाएंगे, उनका कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता। कंपनी अगर चाह करके भी अगर उनको प्रॉफिट देना चाहे तो वो चाह करके भी जो है कोई भी प्रॉफिट नहीं दे सकती, किसी भी तरीके से कोई भी उनको काम नहीं करवा सकती, कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। यानी कि अगर वो बैक ऑफिस में नहीं गए हैं, उन्होंने अपना एनडीए साइन नहीं किया है तो सीधी सी बात है अभी तक उन्होंने खोल कर ही नहीं देखा है। जब तक उन्होंने अपना बैक ऑफिस नहीं देखा है, जब तक उन्होंने साइन नहीं किया है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अभी तक वो अपने ओईएस के अंदर भी एंटर नहीं हो पाए हैं। और जब तक वो ओईएस के अंदर एंटर नहीं हुए हैं तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उनका ओईएस के अंदर जो माई वॉलेट ऑप्शन है वो आप उनको कहां से दिखाई देगा। जब उन्होंने ओईएस को ही एंटर नहीं किया है, ओईएस को ही एक्टिवेट नहीं किया है, अपना ओमेल क्रिएट नहीं किया है, तो माई वॉलेट के अंदर जो हमें सब कुछ आने वाला है तो वो उनको कहां से मिलेगा। तो यहां पे ओईएस नहीं है तो इसका मतलब ये भी है कि वो एक एफिलिएट भी नहीं है। अगर वो ओईएस में नहीं है तो उनके पास ना तो ओ वॉलेट है, सॉरी माई वॉलेट है, और ना ही उनके पास एफिलिएट उन्होंने अभी तक साइन किया है। तो ऐसे लोगों का यहां पे क्या होगा, ऐसे लोगों का यहां पे कुछ भी नहीं हो सकता। जी हाँ, ऐसे लोगों का यहां पे कुछ भी नहीं हो सकता और कंपनी चाह करके भी जो है इनकी हेल्प नहीं कर सकती।
एफिलिएट साइन नहीं है तब तक कोई प्रोडक्ट भी नहीं खरीद पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से खरीदेंगे। ये प्रोडक्ट ना तो खरीद पाएंगे और ना ही सेल कर पाएंगे। जब इन्होंने एफिलिएट पर साइन नहीं किया है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट भी नहीं खरीद पाएंगे और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। और जब कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं होगा, तो सीधी से बात है कोई कमीशन भी नहीं आएगा, कोई इनके पास इनकम भी नहीं आने वाली है, मतलब कुछ भी इनका होना नहीं है। आपके पास अगर ऐसी कोई जगह है जहां पर कंपनी $97 जो आपको रिफंड कर रही है, तो आपके पास ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कंपनी $97 रिफंड करेगी? जब आपने बैक ऑफिस का मुंह ही नहीं देखा है, एनडीए साइन नहीं किया है, ओईएस नेविगेट पे क्लिक करके आपने ओमेल भी क्रिएट नहीं किया है, उसके बाद आपने ओईएस के अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं खोला है, तो फिर जो $97 है जो कंपनी रिफंड कर रही है वो कहां करेगी? वो क्या ऑप्शन है? आपके पास कौन सी जगह है जहां पर $97 कंपनी आपको रिफंड करे, जो कंपनी इतने सारे काम कर रही है आपकी हेल्प के लिए? अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने आज तक कोई भी एक्टिविटी नहीं की है, जिन्होंने अभी तक ओ फाउंडर्स में जाकर के एनडीए साइन नहीं किया है, जिन्होंने आज तक उसका उद्घाटन ही नहीं किया है, तो आप प्लीज उनको पूरी प्रोसेस बताएं। जी हाँ, पूरी प्रोसेस बताएं, साइन से लेकर के एफिलिएट साइन तक। जी हाँ, बैक ऑफिस के साइन से लेकर के एफिलिएट साइन तक पूरी प्रोसेस बताएं, ताकि उनको सारा का सारा जो एक बेनिफिट्स है कंपनी की तरफ से, वो सारा का सारा बेनिफिट्स मिल सके। उनको बताएं कि ऑफ फाउंडर्स आपकी वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद आपको एनडीए साइन करना है, और एनडीए साइन करके नेविगेट ओईएस पर आपको जाना है और अपना ओमेल वहां पे क्रिएट करना है, और ओमेल क्रिएट करने के बाद आपका ओईएस बन जाएगा, और ओईएस बनने के बाद में आपको एफिलिएट पर साइन करना है। तो जब आप एफिलिएट पर साइन करेंगे तभी आप बिजनेस करने के हकदार भी वहां पे बन पाएंगे। यदि वो ऐसे सारे काम नहीं करते हैं तो मतलब ये है कि उन्होंने सक्सेसफुली ओईएस में अपने आप को माइग्रेट नहीं किया है, और वो 365 दिन के बाद उनका जो अकाउंट है वो 100% हमेशा हमेशा के लिए जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। 365 दिन कौन से? ये 365 दिन मैं कौन सी बात कर रहा हूं, 365 दिन कौन से होंगे? जब हमारी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है पहले दिन से, यानी कि हमारी जो एक फाउंडरशिप की जो पोजीशन थी, अगर अभी तो हम अपने आप को फाउंडरशिप जो है नहीं बोल सकते, बिकॉज हमें एक नया नाम जो भी मिलेगा वो बात में पता चल जाएगा, बिकॉज मैं एक आपको समझाने के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि हमारा जो एक साल का जो एक ईयरली एक सब्सक्रिप्शन है, उसका टाइम जिस दिन से शुरू हो जाएगा, ईयरली सब्सक्रिप्शन का टाइम जिस दिन से शुरू हो जाएगा, उस दिन से 365 दिन हमारे शुरू हो जाएंगे। और उन 365 दिन के अंदर अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं इस कंपनी के अंदर, क्योंकि कंपनी के अंदर तो हैं, भले ही वो हमारे बैक ऑफिस में दिखाई नहीं दे रहे हैं, हो सकता है कि हमारे बैक ऑफिस में ना हो, लेकिन कंपनी के डैशबोर्ड पर ऐसे बहुत सारे लोग अभी दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए ये आखिरी बार हम सब लोगों को बताया जा रहा है, इसलिए आखिरी बार हम सब लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर ऐसे कोई हैं, ऐसे कोई व्यक्ति हैं, तो आप उनको 365 दिन के बाद क्या होगा उन लोगों के साथ में, कि उनका पूरा परमानेंटली जो अकाउंट है वो हमेशा हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जी हाँ, अभी हमारा टाइम शुरू नहीं हुआ है, अभी हमें पता चल जाएगा कि हमारा टाइम कब और किस डेट से शुरू हो रहा है, उसके बाद ये 365 दिन का एक काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। सो ऐसे लोगों के पास सिर्फ 365 दिन का समय ही रहेगा, और कम से कम ऐसे लोगों को कुछ याद ना हो, लेकिन उन लोगों को कम से कम इतना तो याद रहा होगा कि हमने किसी व्यक्ति को अपनी आईडी लगाने के लिए $97 दिए थे, इतना तो याद ही होगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग भूल गए हों कि हमने भाई किसी कंपनी में जो आईडी लगाई थी, क्योंकि काफी टाइम हो गया प्रोसेसिंग में, क्योंकि बहुत साले, हो सकता है कि 2020 में आईडी लगाई हो सकता है 2021 में आईडी लगाई हो सकता है 2022 में आईडी लगाई हो, और हो सकता है कि वो देख के भूल भी गए हो आईडी कौन सी है, पासवर्ड क्या है, सब कुछ भूल गए हो, लेकिन आपने किसी को $97 जो पे किए हैं वो थोड़ी ना भूल गए होंगे, वो तो कम से कम याद होंगे। तो कम से कम वो उनको पूछना चाहिए कि भाई मैंने जो एक पैसे दिए थे आपके लिए आईडी लगाने के लिए, तो वो आईडी का पासवर्ड आपने दिया नहीं, क्या हुआ, कैसे क्या होगा, तो ये सारी चीजें आप उनसे पूछिए और अपने बैक ऑफिस को
एक सही तरीके से ओपन करिए, और अगर बैक ऑफिस अगर सही तरीके से ओपन करना आपको नहीं आ रहा है बिकॉज आप एक्टिव नहीं थे, तो आप अपने नजदीकी किसी भी एक इन्वाइटर से जो है पूछ सकते हैं इसके बारे में कि इसको किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। ओके, तो ऐसे लोगों के पास सिर्फ 365 डेज होंगे और उनके पास जो भी बेनिफिशियल हैं कंपनी की तरफ से, जो भी बेनिफिट्स हैं वो उनको मिलना शुरू हो जाएंगे, जो भी कंपनी जिस तरीके से कंपनी आगे आगे चल रही है, क्योंकि हम ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं। ओके, आई होप ये मैसेज एक आखिरी बार है, और आखिरी बार इसलिए है क्योंकि कंपनी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बहुत ही जल्दी हम सब लोग मार्केट में उतरने वाले हैं, पैकेजेस आने वाले हैं, सभी लोग पैकेजेस खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं, और जो भी कंपनी हमें समय समय पे जो बेनिफिट्स दे रही है वो हम सब लोगों को मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपकी नजर में ऐसा कोई व्यक्ति है तो उन तक ये मैसेज आप जरूर पहुंचा दें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर सो इन इट टू विन इट।